गुड मॉर्निंग। सो मंडे 1 नवंबर आ गया और अभी तक नीट का रिजल्ट नहीं निकला है 21 का, तो पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न्ड है, काफ़ी फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्या इशू है, क्या दोबारा से किसी ने केस कर दिया है या क्या माजरा है। फिर एक न्यूज़ उड़ती है कि यूपी पुलिस ने नीट में बोला है कि ये 25 स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोक दिया जाए क्योंकि हमें शक है कि वो उससे कनेक्टेड हैं सेटर वाले गेम से। सो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है NTA यूपी पुलिस के आह्वान पर तो खैर रिजल्ट नहीं रुकेगा। जो मेरी कॉमन सेंस लॉजिक कहता है बहुत ही सिंपल है कि वीकेंड पे रिजल्ट इसलिए नहीं निकला कि जब भी रिजल्ट आता है तो हमेशा सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं, सर्वर बैठ जाते हैं, एंड देन यू नीड मैन पावर टू रेक्टिफाई दैट। अब वही बात है, NTA बीइंग अ सरकारी कंपनी, उनके काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सरकारी के हिसाब से चलती हैं। और जो बुर को फ़ोन कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि सर ये सैटरडे संडे को भी रिजल्ट नहीं लॉन्च करेंगे क्योंकि अगर रिजल्ट लॉन्च किया सर्वर्स में दिक्कत हुई तो उसको ठीक करने के लिए इनका स्टाफ ऑफिस में नहीं बैठा होगा। बहुत सिंपल, बहुत शायद आपको फ़नी रीज़न लगेगा लेकिन मेरे हिसाब से यही सच्चाई है। और इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक आ जाएगा क्योंकि उसके बाद फिर दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी। सो वो फिर नहीं चाहेंगे वीरवार से शनिवार तक रिजल्ट आना। तो अब ये समझिए कि आज और कल में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, रिजल्ट पूरे अगले मंडे तक डिले हो जाए जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसलिए इन सब की कोशिश रहेगी कि हम आज या कल में रिजल्ट निकाल दें। और देखिए, काउंसलिंग तो ऑटोमेटिकली काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी रिजल्ट आता है तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आप मान के चलिए MCC की काउंसलिंग 15 नवंबर से स्टार्ट होगी और स्टेट काउंसलिंग्स तो अब दिसंबर में स्टार्ट होंगी और जनवरी एंड तक इस बार एडमिशन्स चलेंगे, फेब में सेशन स्टार्ट होगा। इसी वीडियो में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत लोग फ़ोन करते हैं और देखिए, मैं हमेशा मतलब देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है कि कब आपको बच्चे को ड्रॉप कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मैंने शेयर किया हुआ है। तो क्विकली बताऊँ तो बस वही बात है कि जब भी आपके बच्चे को लगे कि उसकी तैयारी कमी थी, वो खुद बोले कि मेरे पास समय कम था तैयारी करने का, अगर मुझे 3 महीने 6 महीने और मिल जाते तो मुझे लगता है कि मैं और रिवीजन कर लेता, ऐसे बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए। या दूसरा भाई कि बच्चे की हमेशा 600 मार्क्स आते थे प्रैक्टिस टेस्ट में लेकिन पेपर वाले दिन तबीयत खराब हो गई, कोई दिक्कत हो गई और 400 300 200 रह गए। ये 2 केसेस होते हैं जो ड्रॉप के लिए अनुकूल होता है। पर लोग तीसरी बार मुझसे पूछते हैं कि सर बाबा, आप ही कह रहे हो कि सेशन तो फेब में चालू होगा और फिलहाल कोविड डाउन होता नज़र आ रहा है, अगले साल अगर नीट टाइम से हो जाएगा मई में और सेशन चालू हो जाएगा अगस्त में तो 6 महीने 5 महीने की तो बात है। मैं कहता हूँ बिल्कुल है, कैलेंडर मंथ में 5 महीने हैं लेकिन हमको अगर साल गिनना है तो पूरा वो 1 साल ही होगा। देखिए 2020 में भी जब सेशन लेट स्टार्ट हुआ 21 जनवरी में तो 7 महीने के अंदर ही पूरा 1 साल पढ़ा दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2020 बैच के बच्चों से जब आप बात करेंगे तो वो अब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि उनका सेशन लेट हो रहा है और वो अब जैन टू जैन बैच चलेगा, इंडियन सिस्टम में इस चीज़ की आदत नहीं है। तो जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज थे सभी ने 6 महीने में 12 महीने का काम निपटा दिया, वीकेंड्स पे क्लास लगी, लास्ट ईयर की या मतलब 21 की जो मई जून की छुट्टियां थी वो काट दी गई थी। और इन सब की वजह से इस समय 2020 बैच के सारे बच्चे सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, मतलब नॉर्मल एकेडमिक साइकिल में आ चुके हैं। सिमिलरली जब आप 21 में ज्वाइन करते हैं तो इंडिया में तो ऐसे खींचा ही जाएगा पक्का कि 22 अगस्त में फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर दोगे। सो चाहे नीट में 6 महीने का गैप है लेकिन जो आपका सेशन होगा, जो साल होगा, उसमें 1 साल का गैप चलेगा। तो अब ये मैं सोचिए कि फेब 2022 में मेरी पढ़ाई चालू होगी तो फिर उसके हिसाब से 4.5 साल बाद ख़त्म होगी पढ़ाई। तो आप लोगों की या कोर्स जिसे कहते हैं जो इंडिया में 4.5 साल का होता है, तो 2021 सितंबर के अगर आप बैच के हो तो 2025 सितंबर में 4 साल और उसके हिसाब से 2025 दिसंबर या 2026 जनवरी में 4.5 साल में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने की आ जाएगी डेट। और ऑफकोर्स 2025 जून में आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, अपने एक्शन बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मतलब सरकार ने सेशन लेट किया तो हमारे खाली 5 महीने ही खराब हो रहे हैं। नीट में 5 महीने का टाइम बचा है लेकिन आपका पूरा 1 साल साइकिल वैसे चलती है। सो इस बात को अच्छी तरह समझिए। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब तो कन्फर्म है कट ऑफ काफ़ी गिरने वाली है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ऑल्टरनेट डिसीजन ले लिया है। बहुत बच्चे हमारे ही थे जो
उन्होंने MBBS अब्रॉड में ले लिया है, जो ऊपर के मार्क्स के बच्चे थे 400-450 रेंज वाले, विच मीन्स हर रेंज में, देखिए अगर आप 300 वाले थे तो शायद आपको लास्ट ईयर के हिसाब से 350 वाला कॉलेज मिल जाए, आप 400 वाले थे 450 वाला मिल जाए, और जो 560-570 वाले भी थे वो भी डिसीजन ले रहे हैं MBBS अब्रॉड का, क्योंकि वो बच्चा इंपेशेंट हो जाता है, वो कहता है जी नहीं मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि काफ़ी उम्मीद है कि कट ऑफ डाउन होगी, तो आई होप ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू। धन्यवाद।